नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। जिला शाहजहांपुर के तहसील तिलहर की ब्लॉक जैतीपुर क्षेत्र के पिपरथरा गोगेपुर मार्ग पर लगभग 10 साल पहले बाढ़ से पुलिया टूट गई थी, जिसके निर्माण के लिए शासन प्रशासन में समस्त क्षेत्र वासियों ने गुहार लगाई, लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी 2019 में सभी क्षेत्र वासियों ने मिलकर अशोक यादव परिवर्तन के साथ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और कहा कि हम सभी क्षेत्रवासी अगर पुलिया नहीं बनी तो वोट नहीं डालेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप यहाँ कौन है? राइट इंचार्ज। तो ये किसका ठेका है यहाँ पर? ये एम बिल्डर्स बरेली। सेतु निगम क्या? PWD से। तो ये बताइए, यहाँ पर ये पुलिया बनेगी या फिर ये कुआं बनेंगे? कुआं बनेंगे, कुआं चार कुआं का पुल है। तो ये लगभग कितने समय में तैयार हो जाएगा? 7-8 महीने लग जाएंगे। टोटल टेंडर कितने का हुआ? टोटल टेंडर कितने का हुआ? 4 करोड़ के आसपास। ये तो क्या नाम लेते हैं, जिम्मेदारी तिरंग नहीं है। 2008 के सैलाब में पिपरथरा से गोगेपुर संपर्क मार्ग की जो पुलिया थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी। तब से ग्रामीण कम से कम 15 या 12 वर्षों से लगातार परेशान थे। आवागमन लगभग ठप था और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रवासियों ने सभी ने मिलकर के चुनाव बहिष्कार का जो आंदोलन किया था, उसके फलस्वरूप शासन थोड़ा इसमें चेतनता में आया और इस पुल का निर्माण आज शुरू हो चुका है। अगले चुनाव से पहले हम लोगों ने ये चेतावनी दी थी कि कोई भी चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले यदि पुल का निर्माण नहीं शुरू होता है तो दोबारा चुनाव बहिष्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। उससे पहले 2022 के चुनाव से पहले ये पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इसके लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से काफ़ी धन्यवाद। लगभग 15 से 20 गांव जरगवा, गोगेपुर, पिडरिया, गढ़िया रंगीन, मड़ई, लोचन नगरा, ये सारे गाँव प्रभावित थे। उन सभी गाँव